हेलो गाइस, दिस इज़ योर सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सोनल जयपुरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सो, आज मैं जा रहा हूँ छठ पूजा होने के बाद। मुझे बहुत से लोगों ने प्रसाद के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने अपने घर के आसपास के लोगों को ही प्रसाद दिया। और क्योंकि मैं जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जानता हूँ, तो हर किसी के घर जाके प्रसाद पहुँचा पाना संभव नहीं है मेरे लिए। तो फिर भी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट मैंने मानी, और जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके घर जाके मैं उनको सरप्राइज़ देने वाला हूँ प्रसाद दे के। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैं किन किन लोगों को प्रसाद देता हूँ। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ, बगल में रहे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। धन्यवाद। मैं अभी पहुंच चुका हूँ नॉर्दर्न टाउन एरिया। ये सर्वेंट क्वार्टर्स है। मैं कुछ स्पेशल लोगों से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। दे आर वेरी पुअर पीपल, बट दे आर वेरी लवली पीपल्स। तो आप लोगों को उनसे मिलके अच्छा लगेगा, आई होप। हेलो, कोई है क्या? सो फ्रेंड्स, ये हैं शिवांगी की मम्मी। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये शिवांगी, ये है रूपाली, ये मिताली, ये उनकी मम्मी और ये उनके पापा। ये हैं सोना फैमिली, और ये सोना फैमिली है, और ये लोग बिलोंग करते हैं बलांगीर से स्पेशली। इन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। ये मैडम जो बैठी हुई हैं, ये एक्चुअली मेड का काम करती हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इनकी घर की, मतलब उनके पापा भी काम करते हैं, जो कि माली काम करते हैं। और शिवांगी स्पेशली इस घर की बैकबोन है, बड़ी बेटी हो ना, मतलब इनकी इन, और हाँ बिल्कुल, लेकिन इनके मम्मी पापा के लिए ये अपने बेटे से बढ़कर नहीं है, क्योंकि ये बहन होते हुए भी अपने फैमिली के लिए बेटे से ज़्यादा बढ़ के करती है। तो मैं इन लोगों को अब प्रसाद देने जा रहा हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं वीडियो। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी कदमा। तो यहाँ पे ये दीदी हैं, और ये बच्चे लोग हैं, तो इनको मैंने अभी प्रसाद दिया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुना ना आपने कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, थैंक यू। मैं अभी पहुंच चुका हूं सोनारी के एयरपोर्ट के बाजू में, जमशेदपुर एयरपोर्ट, जो टिस्को टाटा स्टील के द्वारा अधिकृत कॉमर्शियल एयरपोर्ट है, उसी के पास में। और मैं अभी आ चुका हूँ बुआ जी के घर। उस दिन आपने मेरे शायद आपको याद होगा कि वीडियो में मैंने वो बुआ जी से आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हीं के घर प्रसाद के लिए, प्रसाद देने के लिए। तो भाभी मिल गई अपने रूम पे, और ये है रूही, हमारी क्यूट सी बच्ची, बहुत क्यूट सी है ये। हेलो बोल दो बेटा। हेलो। और ये है दीदी। अभी मैं जा रहा हूँ बुआ जी के पास, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ अभी बुआ जी के घर, और ये है बुआ जी। बुआ जी नमस्ते, हाय कर दीजिए बुआ। हाय कर लो। हाय। और यहाँ मिलिए संजय से, ये है संजय भाई, ये है फूफा जी, और ये है बेबी दीदी, उस दिन जो वीडियो में मिली थी, और ये है वंशिका भांजी। एक्चुअली क्या है ना कि एक्चुअली मैं इनको 6 साल से जान रहा हूँ, और इन्होंने मुझे बहुत अपनापन दिया है, इसलिए मुझे जमशेदपुर में रहने के दौरान भी अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती, बिकॉज ये बिल्कुल भी अपने फैमिली की तरह, अपने एक भांजे की तरह ही मुझे ट्रीट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एक्चुअली ये लोग जो हैं वो बरपाली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका भी जन्म और सब कुछ जमशेदपुर में ही हुआ है।
सो बस कहने के लिए ये संबलपुरियाँ हैं, लेकिन है तो जमशेदपुरियन ही। धन्यवाद।